टिकट बंटवारे में लड़ते रह गए राहुल गांधी और अखिलेश यादव। मोदी ने दोस्त के साथ मिलकर कर दिया सबसे बड़ा खेला। मोदी ने एक झटके में खरीद लिया चीन और पाकिस्तान का काल। मोदी ने डन की दुनिया की सबसे बड़ी डील। मोदी के एक फैसले से हिल गए मुसलमानों के 57 देश। लादेन को ढूंढा, जवाहिरी को मारा, अब करेगा भारतीय सीमा की चौकसी। अमेरिका से आ रहे हैं हजारों करोड़ के हवाई योद्धा। जी, दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन अब हिंदुस्तान के पास आने जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की तो ऐसी हवा टाइट हो गई है कि उनको समझ नहीं आ रहा, करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। दरअसल भारत अमेरिका से दुनिया का सबसे लीथल और एडवांस ड्रोन खरीद रहा है। इसका नाम है MQ-9B Reaper। दोनों देशों के बीच 31 हंटर किलर यानी कि MQ-9B Reaper की डील करीब 32,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुई है। ये ड्रोन तीनों सीमाओं को दिए जाएंगे और इनके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए देश में ही फैसिलिटी भी तैयार की जाएगी। अमेरिका ने इसी ड्रोन की मदद से 2022 में अलकायदा के नेता अल जवाहिरी को मार गिराया था। लेकिन इस हंटर किलर को टक्कर देने वाले ड्रोन दुनिया के किन देशों के पास हैं और भारत अभी कौन से ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, ये हम आपको इस खबर में बताते हैं। इस ड्रोन को दुश्मनों का काल कहा जाता है। भारत अमेरिका के बीच MQ-9B किलर ड्रोन की डील इसी महीने यानी कि अक्टूबर में फाइनल हुई है। अब भारत अमेरिका से नौसेना, थल सेना और वायुसेना के लिए ये ड्रोन खरीदेगा। भारत USA से 31 MQ-9B हंटर किलर प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन मानव रहित हवाई वाहन है जिसे रिमोट से संचालित किया जाता है। यानी आप दूर बैठे हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर इस ड्रोन के साथ सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं और बड़े आराम से वापस भी आ सकते हैं। गलवान घाटी जहां पर चीन हमारे साथ हिमाकत करता रहता है, हम उसके भी एरिया में घुसकर इस ड्रोन के साथ बड़े आराम से ये भी चेक कर सकते हैं कि वहां पर चीन क्या नापाक हरकत कर रहा है, और अगर कोई नापाक हरकत करता है तो वहां पर हम उस पर एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। ये ड्रोन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस की श्रेणी में आता है। ये ड्रोन 50,000 फीट से अधिक की ऊंचाई तक भी उड़ सकता है। इसकी रेंज 1,850 किलोमीटर है और ये 2,177 किलोग्राम तक का भार भी उठा सकता है। इस ड्रोन को लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल जैसे हथियारों से लैस किया जा सकता है। यानी आप इस ड्रोन से लेजर गाइडेड मिसाइल भी किसी भी दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं और एंटी टैंक मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं। ये ड्रोन निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और आक्रामक अभियानों के लिए उपयोग किया जाता है। ये ड्रोन अमेरिका ने 2022 में अलकायदा के जवाहिरी को मार गिराने के लिए इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। अब ऐसे में हिंदुस्तान को भी ये ड्रोन मिलने जा रहे हैं। ऐसे में चीन पाकिस्तान की हवा अभी से टाइट हो गई है। ऐसे में आप बताइए इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है। इस ड्रोन को मिलने के बाद हिंदुस्तान की ताकत कितना गुना बढ़ जाएगी। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।